भारतीय संविधान के भाग चार के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। संविधान के संस्थापकों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इसको लागू करने की जिम्मेदारी बाद की सरकारों को हस्तांतरित कर दी थी। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने से संबंधित कानूनों में भिन्नता पाई जाती है। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ अनेक जातियां, धार्मिक संप्रदाय, संस्कृतियां एवं विभिन्न भाषाई समुदाय कई सौ वर्षों से रहते आए हैं। नागरिकता की दृष्टि से भी यहाँ के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी जाति व धर्म के हों, संविधान उनमें कोई विभेद नहीं करता है। यहाँ सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है तथा उन्हें विधि के समक्ष एक समान माना गया है। इसी प्रकार उन्हें आजीविका इत्यादि के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराध एवं उनके लिए दंड की व्यवस्था है। यह संहिता किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के आधार पर कोई छूट प्रदान नहीं करती है। विविधता में एकता के अनेक उदाहरणों के बावजूद अब भी हमारे देश में विभिन्न जातियों, धर्मों एवं संप्रदायों के लोग संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, नाबालिगों के संरक्षण, बच्चों को गोद लेने, विवाह, तलाक आदि अनेक सामाजिक मामलों में अपने विशिष्ट कानूनों एवं परंपराओं को ही मानते आ रहे हैं। इस स्थिति को सप्ताह में समाप्त करने तथा सभी प्रकार के मामलों को एक प्रकार के कानून में आच्छादित करने के लिए समान नागरिक संहिता की मांग काफी समय से की जा रही है। सितंबर 2019 में कहा गया कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही है। सर्वोच्च न्यायालय का यह कथन समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को अभिव्यक्त करता है। संविधान के निर्माण के समय भारत के राज्य क्षेत्र की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के मूल अधिकारों को प्रत्याभूत किया गया है। इन अनुच्छेदों में यह भावना निहित है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति तथा निवास के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, भारत में निवास करने वाले धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अपने धर्म, भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संबंध में
है। स्टॉप।